गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये देखिए मेरे एडेनियम प्लांट में कितने कलियां बनी है और फ्लावर खिले हुए हैं। आप देख सकते हो एक भी ब्रांच ऐसी खाली नहीं है जिस पे फ्लावरिंग ना हो रही हो। तो अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही है, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, वो आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पौधे में अगर कलियाँ नहीं बन रही है तो फर्टिलाइज़र से पहले आपको क्या काम करना है। तो आपका पौधा जिस जगह पे पड़ा है उस जगह को आपको चेक करना है, क्योंकि जहाँ पे आपने पौधा रखा है वहाँ पे कितनी धूप आती है, कितने टाइम तक धूप रहती है वहाँ पे, वो देखना है। अगर धूप नहीं आएगी तो आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं करेगा, चाहे कैसा भी फर्टिलाइज़र आप दे दो। तो कम से कम 4-5 घंटे की धूप मिले वैसी जगह पर आपको पौधे को शिफ्ट करना है। अगर पूरे दिन की धूप आती है तो कोई बात नहीं, वहाँ भी आप रख सकते हो। तो ये काम सबसे पहले आपको करना है। और उसके बाद आती है फर्टिलाइज़र की बात। तो इसमें फर्टिलाइज़र आप कौन सा डाल सकते हो ताकि आपका पौधा अच्छे से अच्छी फ्लावरिंग करे और भर भर के फ्लावर्स आए। तो मेरे पास जितने भी पौधे हैं सब में कलियाँ और फ्लावरिंग हो रही है इस टाइम। तो इसमें फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूं तो मैं जो फर्टिलाइज़र देता हूं, तो इसमें अब रिपोर्टिंग का टाइम भी है, आप चाहे तो रिपोर्ट भी कर सकते हो, प्रूनिंग भी कर सकते हो। तो ये काम भी आपको करना है तो आप कर सकते हो, अभी भी टाइम है आपके पास, मार्च मंथ चल रहा है। तो मैं जो फर्टिलाइज़र देता हूँ वो है NPK 19-19-19। ये देखिए, ये है NPK 19-19-19। आपके पास NPK 052-34 है तो वो भी दे सकते हो, आप गमले के हिसाब से दे दीजिए। आप चाहे तो इसका स्प्रे भी कर सकते हो, पर मैं अभी स्प्रे नहीं किया क्योंकि सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी मतलब ठंड जैसा है, थोड़ी कभी कभी ओस गिर जाती है, तो ऐसे में स्प्रे नहीं किया। तो मैं डायरेक्ट मिट्टी में ही इस तरह से डाल देता हूँ, गमले के हिसाब से आपको डालना है। इससे क्या होगा कि पौधे में पत्तियाँ भी आएगी, पौधे में फ्लावरिंग भी होगी और आपका पौधा ग्रोथ भी करेगा। तो इसीलिए ये फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं NPK 19-19-19। NPK 052-34 है, उससे क्या है कि पौधे में फ्लावरिंग होती है, पत्तियों की ग्रोथ के लिए नहीं है, फ्लावरिंग के लिए है। और आप इसमें डाल सकते हैं यूरिया, यूरिया के दाने गमले के हिसाब से, ये मेरा बड़ा गमला है तो 8-10 दाने में इसमें डाल देता हूँ। तो ये फर्टिलाइज़र आपको अप्लाई करना है, इससे क्या है कि आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा और आपका पौधा पूरा फूलों से भरा रहेगा। ये देखिए, इतने फूल आएंगे कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। और फूल की साइज़, कलियों की साइज़ वो भी आप देख सकते हो कितनी बढ़िया है। आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालना चाहते हो तो इसमें आप वर्मी कंपोस्ट डालिए, गोबर की खाद डालना चाहते हो तो गोबर की खाद अच्छी सी सड़ी हुई होनी चाहिए, जिसमें लगभग कि आपकी 1 साल पुरानी खाद होनी चाहिए। अगर नई वाली खाद आप डालोगे तो इसमें फंगस लगने के चांस हो जाते हैं। तो ये काम आपको करना है। तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, बाय।